ज्ञात होगी कि भलसवा, गाजीपुर और ओखला डार्क गार्बेज डंपिंग ग्राउंड हैं, और दिल्ली सरकार ने एक समिति बनाई थी कि कैसे इसको जल्द से जल्द इस कूड़े के ढेर को कम किया जा सके। और ये चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के अधीन ये कमेटी बनी थी, जिसके अंदर तीनों कमिश्नर थे, और दिल्ली सरकार इसके लिए सबसे ज़्यादा पैसा देती है। ईस्ट एमसीडी के अंदर 65 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देती है उस कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए, और ईस्ट एमसीडी 40 करोड़ देती है। नॉर्थ में दिल्ली सरकार 35 करोड़ देती है और नॉर्थ एमसीडी 30 करोड़ रुपए देती है, और साउथ में दिल्ली सरकार 25 करोड़ रुपए देती है और साउथ एमसीडी 15 करोड़ रुपए देती है। यानी कि दिल्ली सरकार की बड़े हिस्सेदारी से इन लैंडफिल साइट्स के अंदर जो कूड़े के पहाड़ है इसको कम करने की कोशिश जारी है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे है कि दिल्ली सरकार के दिए हुए करोड़ों रुपए और एमसीडी में टैक्स से जुटाए हुए करोड़ों रुपए की लूट एमसीडी में किस तरीके से हो रही है, और सबूतों के साथ हम आपके सामने पेश करेंगे। कोई जुबानी बात नहीं है, सबूत और ऑडिट्स के हिसाब से हम इसको आपके सामने रखेंगे। हमारा पेज था तो मेरा था इस पे क्या? ठीक है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 6 महीने पहले की थी ट्रॉमल मशीन्स के बारे में। ट्रॉमल मशीन्स एक सबसे ज़्यादा आवश्यक मशीन होती है, जिससे इस कूड़े को प्रोसेस करके इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है, वो कम की जा रही है। और वो रिपोर्ट जो वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक ऑडिट रिपोर्ट के बिना पे हम लोगों ने की थी, और वो ऑडिट रिपोर्ट भी एमसीडी की ऑडिट रिपोर्ट है। इनके चीफ ऑडिटर ने वो रिपोर्ट बनाई थी, और उसके अनुसार एमसीडी ने ट्रॉमल मशीन्स किराए पे लिए हैं। ये ट्रॉमल मशीन का जो बाजार में दाम है, जो ऑडिट रिपोर्ट ने खुद लिखा हुआ है, वो है 17,70,000 रुपए की ट्रॉमल मशीन है। और इस मशीन को एमसीडी ने महीने के किराए पे लिया हुआ है 6,30,000 रुपए महीना का किराया। यानी कि 3 महीने में पूरे के पूरे ट्रॉमल मशीन का खर्चा जो है वसूल हो जाता है। 17,70,000 रुपए की मशीन को एमसीडी ने किराए पे लिया है 6,30,000 रुपए महीना। और ये इस तरीके की 23 मशीनें पिछले 1.5 साल से इन कूड़े के पहाड़ों पे काम कर रही हैं। तो 23 मशीनों की कीमत अगर आप 17.5 लाख रुपए, 17,70,000 रुपए के हिसाब से लगाएं, तो ये 4 करोड़ रुपए की मशीनें थी, जिनके लिए एमसीडी ने अब तक 26 करोड़ रुपए अभी तक दे दिए हैं इनका किराया। 4 करोड़ की मशीनों का किराया 26 करोड़ रुपए दिया जा चुका है। और इसके ऊपर इन्हीं की चीफ ऑडिटर ने एक रिपोर्ट बनाई, और जिसके अंदर लिखा कि जो पूरा आंकड़ा भी बनाया गया, जैसे किराए पे किसी मशीन को अगर लिया जाए तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन की जाती है, वो भी एमसीडी ने झूठी करी। और उन कैलकुलेशंस के अंदर मशीन का दाम 64,90,000 रुपये दिखाया, जबकि असली दाम इनके ऑडिटर ने कहा कि वो 17,70,000 रुपये की मशीन है। और अन्य चीज़ों के दाम बढ़ा लिखा कर इन्होंने दिखाया कि साहब अगर ये मशीनें हम खरीद लेंगे तो हमें महंगी पड़ेंगी, इसलिए हमें किराए पे लेनी चाहिए। और एमसीडी के ऑडिटर ने इसके विरोध में पूरी रिपोर्ट लिख के बताया कि ये मशीनें खरीदने में फ़ायदा था। एमसीडी ने दिखाया कि ये मशीन मात्र 1 साल चलती हैं, और एमसीडी का ऑडिटर कह रहा है कि ये मशीन कम से कम 7-8 साल चलती हैं, और एमसीडी को दसियों साल तक इन मशीनों की ज़रूरत है, क्योंकि कूड़ा लगातार आता है दिल्ली में, इन पहाड़ों पे कूड़ा आता है और उस कूड़े को प्रोसेस करने की लगातार ज़रूरत है। तो ये तो एमसीडी ने भ्रष्टाचार किया 22 करोड़ रुपए का, कि सीधा सीधा 4 करोड़ रुपए का माल इन्होंने 26 करोड़ रुपए में किराए पे लिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे है कि बेशर्मी की हद यहां तक आ गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, स्टैंडिंग कमेटी में उठाने के बाद, हाउस में उठाने के बाद भी एमसीडी ने अपने इस प्रोजेक्ट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं किया, और अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी की एजेंडा है, जो स्टैंडिंग कमेटी कल होने वाली है उसके अंदर एजेंडे के अनुसार मैं आपको बताऊं। अब इन्होंने
चोरी करने का तरीका बदल दिया है, नया तरीका चोरी का आजमाया है इन्होंने। इसके अनुसार अब ये 306 रुपए प्रति मेट्रिक टन इस कूड़े की प्रोसेसिंग के लिए इन ट्रॉमल मशीनों को देंगे, और इस हिसाब से 79 मशीनें खरीदेंगे, किराए पे लेंगे, माफ कीजिएगा, किराए पे लेंगे। इन्हीं की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी ने लिखा है, एक मशीन एक महीने 8 घंटे प्रतिदिन चलेगी तो 6000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रोसेस करेगी। और इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें कि 6000 मीट्रिक टन का कूड़ा ये प्रोसेस एक महीने में एक मशीन करेगी तो कितना पैसा इसको किराए के रूप में देगी एमसीडी, 18,36,000 रुपए। मतलब जो किराया ये अभी तक 6,30,000 रुपए दे रहे थे, इनका पेट नहीं भरा, अब ये उसी मशीन का किराया 18,36,000 रुपए देंगे महीने का, उसी मशीन का जिस मशीन की कीमत 17,00,000 रुपए है उसका किराया ये महीने का 18,36,000 रुपए देंगे, और इस तरह से 79 मशीनें किराए पे लेंगे। ये मशीनें लगातार चलेंगी और करोड़ों रुपए की बिलिंग जो है इन मशीनों को दी जाएगी। आप सोचिए, मैं तो कह रहा हूं आप क्या पत्रकारिता में अपना समय खराब कर रहे हैं, एक एक ट्रॉमल मशीन खरीद लो, आप किराए पे दे दो, 17,00,000 की ट्रॉमल मशीन एमसीडी किराए के एक महीने के 18,00,000 रुपए देगी आपको। मगर आप चाह के भी इसको आपको किराए पे नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारी मशीनें भाजपा के नेताओं की हैं, उनके द्वारा नई नई कंपनियां खड़ी खड़ी गई हैं और उनकी मशीनों को यहां पे किराए पे दिया गया है, और एक मशीन की कीमत के बराबर उसका एक महीने में किराया दिया जाएगा। और हमने एक साधारण सी कैलकुलेशन 2 साल की है, 79 मशीनें जो अलग अलग खरीद रहे हैं उनका मात्र कॉस्ट जो है वो 80 करोड़ रुपए के करीब है, और सिर्फ 2 साल के अंदर इन मशीनों का किराया जो इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में तय किया है वो है 348 करोड़ रुपया। 80 करोड़ की मशीनों का 348 करोड़ रुपया किराया ये 2 साल में दे देंगे। आप मानिए 10 साल में कितना देंगे, क्योंकि इन मशीनों की जो साधारण आयु है वो करीब करीब 8 से 10 साल बताई गई है। करोड़ों रुपए की चोरी खुलेआम एमसीडी के अंदर हो रही है, और ये पैसा सिर्फ एमसीडी का नहीं, इस एमसीडी के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उसमें बड़े पैसा जो है हिस्सा है वो दिल्ली सरकार का है। सिर्फ नोट एमसीडी का, तीनों को जोड़ो तो पता नहीं कितने करोड़ बैठे। जी, तो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन बता रहे हैं कि ये पैसा जो 348 करोड़ की हमने फिगर बताई ये तो सिर्फ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की है। अगर आप उसके अंदर दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम देखें तो एक कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला, खुला घोटाला कागजों के अंदर है, वो ये करने जा रहे हैं। और जो जो मैंने आपको जो दाम बताए हैं मशीनों के वो कोई मेरे, क्योंकि आजकल भाजपा ने बड़ा एक अच्छा तरीका अजमा लिया है, कहते नहीं नहीं ये तो आरोप लगाते रहते हैं और उसका कोई जवाब नहीं देते, तो ये जो है इन्हीं की ऑफिस ऑफ चीफ ऑडिटर नॉर्थ साउथ ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 4 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर इनकी चोरी का पर्दाफाश जो है इन्हीं के ऑडिटर ने किया है, और अब ये उससे भी ज्यादा 3 गुना चोरी जो है ये करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसे विरोध करेंगे, तो कल जो है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हमारे जो सदस्य हैं जो आम आदमी पार्टी से आते हैं वो इसका विरोध करेंगे, और हाउस में भी जब भी सदन लगेगा इसका जो है भरसक विरोध किया जाएगा, क्योंकि एमसीडी से भाजपा जा रही है और ये जानबूझ के इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करके जा रहे हैं ताकि करोड़ों रुपए का फायदा जो है अपने लोगों को ये पहुंचा दें। सवाल आपसे, क्योंकि बड़ा पैसा जो है दिल्ली सरकार देती है, आपने बताया, क्या दिल्ली सरकार भी इस पर ऑडिट करने को लेकर या किसी तरीके से